वेलकम टू टेक इच। फ्रेंड्स, वी आर टुडे गोइंग टू सी हाउ टू फैक्ट्री रीसेट आवर सी पैनल और हाउ टू फॉर्मेट द सी पैनल। सो लेट्स लॉग इन इनटू योर सी पैनल अकाउंट एंड देन आफ्टर वी हैव टू जस्ट गो इनटू आवर फाइल मैनेजर सेक्शन एंड देन हियर वी हैव टू सेलेक्ट ऑल एंड हियर नाउ वी हैव टू डिलीट इट। सो क्लिक ऑन डिलीट। सो जस्ट कन्फर्म इट एंड हियर द डायरेक्टरी इज एम्प्टी। नाउ वी हैव टू अपलोड द डिफॉल्ट फाइल्स। सो हियर क्लिक ऑन सेलेक्ट फाइल्स एंड नाउ वी हैव टू अपलोड ए जिप फाइल। सो हियर आई सर्च फॉर सी पैनल डॉट जिप। ओके, नाउ सेलेक्ट इट। आई गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड अपलोड इट। नाउ आवर फाइल इज अपलोडेड। नाउ हियर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट। सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट। फॉर दिस वी कैन क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट। नाउ हियर वी कैन क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट फाइल्स। नाउ क्लिक ऑन क्लोज। सो हियर वी कैन नाउ डिलीट दिस फाइल्स। ओके, सो वी हैव टू जस्ट डिलीट इट। क्लिक ऑन कन्फर्म। ओके, नाउ वी हैव टू डिलीट आवर डेटा कनेक्टेड डेटाबेस आल्सो। सो जस्ट गो इनटू योर डेटाबेस। सो हियर going to my SQL database first of all. So here we have to delete it. Now click on delete. Just delete the database. Now deleted, we have successfully deleted the database. Now go into your cPanel. Now here we can see our cPanel is completely formatted and our hosting is now ready for reuse. For example, we can now install any application right now. So here where I want to install Magneto, so here we can now install it. I will demonstrating this. Now I am clicking install this application. Yes, so here we successfully formatted, so we are now able to install anything here. Okay, that's it for this video. Thank you for watching.